ये देखिए दोस्तों, ये गाजर का बीज है जिसे मैं आपको एक छोटे से कंटेनर में उगाना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये छोटा सा कंटेनर है फ्रूट कैरेट, जिसे मैं बनाना सिखाया हूँ। मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बनाया जाता है फ्रूट कंटेनर को, ग्रोइंग बैग। तो अब मैं इसमें गाजर उगाऊंगा। ये देखिए, इसे मैंने बनाना सिखाया, मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। और इसमें मैं आप गाजर उगाना सिखाऊंगा आपको, बीज से लेके पौधे के फल आने तक का अपडेट दूंगा। ये देखिए, ये कंटेनर मैंने बनाया हाथों से, आप भी अपने बना सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा पत्ते, सूखे पत्ते लेने हैं, घास फूस कुछ भी रहे उसमें सूखे पत्ते दे देने हैं। देखिए मैंने किस तरीके से बिछा दिया सूखा पत्ता, इसी तरीके से आपको बिछा लेना है ताकि कंटेनर हल्का और लाइटवेट बना रहे। इससे क्या होगा, आपको छत को भी हानि नहीं होगा और आपका पौधा भी बहुत स्वस्थ रहेगा, और जो भी लगाएंगे वो बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो इसमें अब मिट्टी आपको अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने मिट्टी अप्लाई किया, अच्छे से मिट्टी अप्लाई कर लीजिए ताकि ग्रोइंग कंटेनर जो है आपका, जो कंटेनर बना रहे हैं आप, वो हल्का बना रहे और उसमें आपका ढेर सारा फल फ्रूट उगना शुरू हो जाए। ये मिट्टी भी मैंने बनाना सिखाया है, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि बताया नहीं हूँ। और ये देखिए चावल का छिलका, ये राइस पिल्स है 1 साल पुराना, आप भी अपने कंटेनर को हल्का बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोपीट ले सकते हैं। तो मैं राइस पिल्स का यूज़ कर रहा हूँ हल्का बनाने के लिए, कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं ये कंटेनर। तो मैंने राइस पिल्स थोड़ा और मिला दूंगा इसमें, देखिए ये देखिए। इससे क्या होगा, आपका कंटेनर हल्का रहेगा, आपका छत में लोड नहीं रहेगा और आपका जो पौधा है, गाजर है, मूली है, वो बहुत अंदर तक जाएगा और अच्छा मोटा मोटा बनेगा। तो ये देखिए मैंने मिला लिया इसे, राइस पिल्स और मिट्टी को, और इसको अच्छे से मिला लेना है आपको। ये देखिए मैं मिला लिया, और फिर से आपको मिट्टी अप्लाई करना है, गार्डन सॉयल जिसे मैंने बनाना सिखाया है। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मिट्टी किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने बहुत तरह का मिट्टी बनाना सिखाया है, हल्का लाइट वेट मिट्टी भी बनाना सिखाया है, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा गोबर की खाद ले लीजिए, ये देखिए, जो कि 1 साल पुराना है मेरा, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको थोड़ा सा और गोबर की खाद लेना है, गोबर के खाद के बाद आपको मिट्टी लेना है। ये देखिए गार्डन सॉयल, नॉर्मल गार्डन सॉयल है ये। अब इसको मिला लीजिए अच्छे से, देखिए मैं किस तरीके से मिला रहा हूँ, इसी तरीके से मिला लीजिए। और इसमें कुछ भी आप लगाइए, फल फ्रूट कुछ भी लगाइए, देखिए कैसा ग्रो होगा, जादुई के तरीके से आपका ग्रो होगा। और इतने छोटे से कंटेनर में आप ढेर सारा गाजर ले सकते हैं, आप खाते खाते थक जाइएगा, इतना गाजर आएगा इसमें। तो मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से बनाइए, और अपने टेरेस पे गाजर लगाइए, मूली लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो ग्रो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको गाजर उगाना सिखाऊंगा कि बीज से गाजर आप छत पे इतने छोटे से कंटेनर में ढेर सारा गाजर कैसे लें। ये देखिए राइस पिल मैंने ऊपर से फिर से दे दिया ताकि ये मिट्टी हल्का बना रहे, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं लगेगा, आप ये कंटेनर कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। और इसी तरीके से आप मिट्टी बना सकते हैं ताकि मिट्टी हल्का फुल्का रहे और गाजर को नीचे जाने में कोई परेशानी भी नहीं होगा, आपका गाजर स्वस्थ और हल्का मिट्टी में ज़्यादा ग्रो होगा, पौधे भी हरे भरे रहेंगे आपके। तो इसी तरीके से आपको कंटेनर के मिट्टी को तैयार कर लेना है, और फिर से ऊपर से गोबर की खाद दे देना है, पूरा लेयर का लेयर बना लेना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें आप, तो मिट्टी बन के रेडी हो गया। अब ये देखिए गाजर का बीज, आप कोई भी नर्सरी से ले सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो अच्छा गाजर आएगा। ये मेरा लंबा साइज का नहीं है, ये मेरा देसी गाजर है जो कि बहुत ही विटामिन होता है, छोटा होगा पर मोटा होगा, अच्छा हेल्दी होगा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये देसी गाजर मैंने बीज लिया है नर्सरी से, और ये बीज देख सकते हैं कितना महीन होता है। तो इसको आपको
तीन उंगली के फर्क में लगाना है ताकि गाजर से गाजर सटे ना। ये देखिए मैंने जैसे लगा रहा हूँ, चार चार बीज आपको लेना है। ये ढेर सारा बीज हो जाता है महीन बीज होने के कारण, तो आपको चार चार बीज दूरी पे लगाना है और चार उंगली की गैप में लगाना है ताकि एक गाजर से दूसरे गाजर सटे ना और वो बर्बाद ना हो। एक गाजर दूसरे गाजर से सट जाने के बाद वो मोटा भी नहीं होगा और वो सड़ने लगेगा और आपका ग्रो भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए चार चार उंगली दूरी दीजिए, क्योंकि ये छोटा कंटेनर है। और अगर मिट्टी में लगाइएगा तो एक बित्ता के दूरी में गाजर लगाएं या आठ उंगली के लगाएं। ये मेरा छोटा कंटेनर है इसलिए मैंने चार उंगली गैपिंग लिया है। चार उंगली का गैपिंग देने से क्या होगा, आपका गाजर स्वस्थ रहेगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, गाजर मोटा होगा, इससे आपका गाजर भी बहुत अच्छा ग्रो होगा और हेल्दी आएगा, गाजर मोटा होगा। तो इसी तरीके से आप अपना गाजर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से बीज को आपको अप्लाई करना है यानी लगाना है। देखिए मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। इसी तरीके से लगाइएगा तो आपका गाजर बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा और ये छोटा सा कंटेनर में आप ढेर सारा गाजर ले सकते हैं। गाजर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, गाजर से आपकी आँखों की रोशनी बनी रहती है। तो इसी तरीके से आप लगाना चाहें तो अपने टेरेस पे पूरे साल गाजर ले सकते हैं। छोटे से कंटेनर को सिर्फ ठंडे जगह में रखिए और 12 महीना गाजर ले सकते हैं। तो मैं किस तरीके से गाजर लगा रहा हूँ वो उस तरीके से देखिए और गाजर लगाइए। अपने छोटे से टेरेस पे छोटे से कंटेनर में ढेर सारा गाजर ले सकते हैं। अब बीज को आपको ढक देना है। देखिए मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल से बीज को ढक दिया, जिस तरीके से ये देखिए पूरा का पूरा कवर कर दिया उसको। इसी तरीके से आपको बीज को हल्का मिट्टी से ढक देना है, ज़्यादा मिट्टी नहीं देना है ताकि मिट्टी सड़ जाए, बीज सड़ जाए। जिस तरीके से मैंने हल्का लेयर दिया उसी तरीके से आपको दे दें। ये देखिए मेरा पौधा अब मिट्टी से बाहर आ रहा है, यानी पौधे अब बाहर आने लगे हैं। ये मेरा चार दिन का अपडेट है, बीज लगाने के चार दिन के बाद का रिजल्ट है, यानी पौधा चार दिनों का हो चुका है। चार दिन बाद ये चार दिन बाद का रिजल्ट है। ये पहला दिन है मेरे गाजर के पौधे कितने ग्रो हो चुके हैं। कुछ बाहर आए हैं, अभी कुछ बाहर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं इससे आपको फल हार्वेस्टिंग करना सिखाऊंगा, यानी गाजर लेना सिखाऊंगा आपको। ये देखिए मेरा फ्रूट कैट में जो गाजर मैंने उगाया था वो गाजर कितना अच्छा ग्रो हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब सब हेल्दी से बाहर आ रहा है पौधा, ये देखिए, ये देखिए, ये सब पौधे बीज से अभी बाहर आ रहे हैं। ये देखिए बीज लगा हुआ है इसमें और ये पौधा अब ग्रो हो चुका है, आप देख सकते हैं। छोटे से कंटेनर में मैं गाजर उगाना सिखाऊंगा आपको, इसे मैंने बीज से लगाया है और कुछ पौधे अभी बीज से बाहर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। दोस्तों मैंने गाजर का पौधा जो फ्रूट कैट में लगाया था, ये देखिए कितना अच्छा ग्रो है, ये सब पौधे ग्रो हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना अच्छा गाजर का पौधा आपका फ्रूट कैट में जो ग्रो हो चुका है। तो इसी से मैं आपको गाजर भी लेना सिखाऊंगा। मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मूली लेना सिखाया, उसी तरीके से मैं गाजर भी दिखाऊंगा आपको। तो ये पौधा मेरा अच्छा ग्रो हो चुका है, देख सकते हैं, ये देखिए मेरा गाजर का पौधा कितना बड़ा हो चुका है। अब ये 15 दिनों का पौधा बन चुका है, देख ही सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हुआ है। छोटे से फ्रूट कैट में मैंने ग्रो किया है, ये देखिए। ये गाजर का पौधा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये गाजर बनना चालू हो चुका है। ये मैं अभी आपको एक उठा के दिखाता हूँ, ये छोटा पौधा है और छोटा छोटा गाजर है इसमें, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये अभी बहुत ही छोटा है, नाजुक है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, इस गाजर को कम गाजर अब हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप गाजर कितने मोटे मोटे हो चुके हैं और पौधे भी अब झुलसने लगे हैं।
तो गाजर ये छोटा साइज का है, तो चलिए आज मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ गाजर। ये देख सकते हैं मेरा गाजर कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। ये पौधे देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए गाजर, देख सकते हैं गाजर कितना अच्छा बन चुका है। और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों, ये देखिए, देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा गाजर है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों गाजर देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना खूबसूरत गाजर आ गया है इसमें। और अभी पूरा का पूरा कैरेट है, ये देखिए। तो ये देखिए गाजर देख सकते हैं आप कितने सारे गाजर आ गया है। तो आप भी अपने छोटे से एक फ्रूट कंटेनर में आप भी गाजर उगा सकते हैं, जैसे मैंने उगाया आप भी गाजर उगा सकते हैं। कुछ छोटे हैं जिसे मैं रख दूंगा, और जो बड़े हैं उसे मैं हार्वेस्ट कर लिया दोस्तों, आप भी कर लीजिए। ये देखिए, तो इसी तरीके से आप अपने गाजर हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, ये सब गाजर देखिए कितना अच्छा बेहतरीन साइज है। देख सकते हैं दोस्तों मैंने गाजर हार्वेस्ट कर लिया है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज है। तो आप भी अपने फ्रूट कंटेनर में इसी तरह बीज से आप गाजर ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, मैं हर दिन इससे थोड़ा थोड़ा लेता हूँ और सलाद बनाता हूँ, गाजर का हलवा बनाता हूँ, फिर भी अभी भी ये कम नहीं हुआ है। इतना 1 kg, 1.5 kg, 2 kg मैं कुछ दिन बाद हार्वेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने आपको हार्वेस्ट करके दिखाया ताकि आप देख सकें कि मैंने बीज से जो बनाया था वो सही में गाजर ग्रो होता है कि नहीं। ये देख सकते हैं पौधे, और ये गाजर भी देख सकते हैं आप, गाजर है। तो आप भी अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारा गाजर ले सकते हैं। तो देखिए, ये फ्रूट कार्ड में अभी भी मेरा गाजर है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने 100% में 20% भी मैंने हार्वेस्ट नहीं किया है, अभी भी है इसमें। और वो देखिए, मेरा बेटी ने 2 उखाड़ के रखा है, और इधर देखिए मेरा 1.5 kg का इधर है। और आप चाहें तो और भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए पूरा का पूरा गाजर कितने मोटे मोटे गाजर हैं, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कितने से छोटे से फ्रूट कंटेनर जो है, ये देखिए, इससे आप गाजर ले सकते हैं ढेर सारा।